इस बीच भागलपुर का एक अच्छा कारनामा जिसके कारण एक अंक अर्जित करता हुआ, इसके बीच कंटिन्यूशन इस पर हर्ष देखना होगा। ओ एक बढ़िया अटैक कठोरिया के द्वारा जिसमें की गई मौका मिलेगा सिर्फ सर्विस टाइम पर, इस तरीके से काफी बढ़िया खेल का मुजाहरा और एक बार फिर अच्छा स्मैश और पास भी बेहतर सेविंग का बेहतर इस प्रकार हिट भी था जोरदार। अब पीछे की टीम में बचाव करते हुए बॉल को पास किया टीम वापस और ये कड़ा प्रहार लेकिन ब्लॉक भूलता ही करा रहा और इस प्रकार फिर को खेलता हुआ भागलपुर और एक अंक सॉरी सर्विस अपनी ओर करता हुआ इस प्रकार 1-0 सर्विस पर भागलपुर। अब चेन सर्विस पर भागलपुर और देखना होगा क्या चालाकी करना चाह रहे थे कुछ कटिया लेकिन संभाले यहाँ पर जी हाँ अच्छा ब्लॉक हेड देखना होगा जी नहीं गलती को कटिया और एक अंक लुटाने में कोई रोक सकेंगे उसे और इस प्रकार 2-0 की कंटिन्यू सर्विस पर भागलपुर। आप सभी दर्शकगण से गुजारिश है तालियों के बौछार से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का एक बार दिल जीते इस बीच एक अच्छा अनडिफाइंड बाजी कठघरे दर्शक गण आप बता रहे इसके बाद जितने भी मुकाबला होने वाले हैं वो काफी रोचक भरी मुकाबला होने वाले हैं इसलिए छोड़ के ना जाए ताकि ऐसा मुकाबला दोबारा कहीं नहीं देख पाएंगे आप। इस बीच एक अच्छा प्रहार शमशेरगंज के बीच लेकिन उससे भी अच्छा ब्लॉक किया यहाँ पर भागलपुर देखना होगा एक अच्छी खेल बनेगा यहाँ पर भागलपुर लेकिन सफल का इशारा दे रहे हैं अंपायर का इशारा भागलपुर को और इस प्रकार एक और अंक में इजाफा होता हुआ भागलपुर को और अब कंटिन्यू सर्विस पर भागलपुर 4-0 से अब भी पलट पर आया है भागलपुर। अब यहाँ से आर पावर दे आरो पावर दे हेलो क्षमा चाहूंगा आप सभी दर्शकों से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कमेंट्री रुक गई थी पर अब है इस बीच एक अच्छा खेल दिखाया यहाँ पर कठोरिया ने इस बीच दो चार की बढ़ोतरी पर कठोरिया अब भी दो की डिफेंस में है कठोरिया और दो चार की कंट्री सर्विस पर देखना होगा भागलपुर के सब प्रहार लेकिन उससे अच्छे बढ़िया ब्लॉक किया गया यहाँ पर कठोरिया के द्वारा जी हाँ अब चालाकी करना चाह रही थी लेकिन नहीं मिल पाई इस बीच एक और अर्जित करता हुआ कठोरिया। अब यहाँ से इस शॉट के साथ एक ऑफर भी रिलीज हो चुकी है जो कि मनावर के लिए दिया गया है अगर कठोरिया जीतती है तो उसे कुछ रुपयों की इनाम से नवाजा जाएगा। अब इस बीच एक कंटिन्यू सर्विस पर चार्ज देने के यहाँ अंपायर का इशारा जी हाँ राइट बॉल का इशारा इस प्रकार फिर से एक बार अपनी ओर सर्विस करता हुआ कठोरिया। अब यहाँ से 3-4 की सर्विस चेंज सर्विस करता हुआ पास अच्छी इसमें सेट भी बनी बढ़िया और अटैक कुछ धीमी गति से और इस प्रकार फिर से एक बार सॉफ्ट हैंड इस बार नहीं बचा पाएंगे इस प्रकार अंपायर का इशारा एक बढ़िया शॉट भागलपुर को बस वार के हिसाब ले ना यहाँ भट्टों से बौछार आ रही है कठोरिया के लिए अगर कठोरिया इस मैच को जीतती है तो भट्टों के द्वारा आपको 500
रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाएंगे एपीएम भट्टा और सोना भट्टा की ओर से। आपसे बता दें इस बार कंटिन्यू सर्वेश्वर भागलपुर जी नहीं इस बार ब्लॉक करना चाहते थे लेकिन हाथ से पिछली गेंद और गेंद सीधे आउट का इशारा दिया गया और इस प्रकार सर्विस चेंज कराने में समर्थ हुए कठपुतलिया। अब यहां से अच्छी स्मैश करता हुआ यहां पर जोरदार प्रहार लेकिन एक और इस मैच पर स्ट्रोक चेंज किया अब यहां से भागलपुर एक और बार अपनी ओर सर्विस करता हुआ अब चार तीर की चेंज सर्विस पर भागलपुर हर्ष के हाथ में गेंद इस मर्श के लिए अगर कठोटिया जीतती है मनीर सोना भट्टा वन मेंबर के द्वारा ₹1,000 का इनामी राशि रखा गया है कठोटिया के लिए ये इनामी राशि लागू। अब यहाँ से एक अच्छी खेल देखने को मिला दोनों टीमों में अब यहाँ अच्छी ब्लॉक हैंड किया जी हाँ सौ फैंस खेलना चाहते थे लेकिन उस तरीके से तो भागलपुर अब देखना होगा जी हाँ एक और अच्छी ब्लॉक लेकिन यहाँ पर खेल कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बनाता हुआ यहाँ पर दोनों ही टीम जी हाँ एक अच्छी अटैक इस बार नहीं रोक पाएगा भागलपुर को। इस प्रकार से एक बार फिर अपनी ओर करता हुआ सर्विस को चेंज सर्विस पर अब हर्ष खड़े हैं चार दिन की सर्विस पर भागलपुर चेंज सर्विस अच्छा पास के यहाँ पर सेव भी बढ़िया था और ब्लॉक कुछ बढ़िया देखने को मिला इस बार काफी जोरदार प्रहार 10 नंबर जर्सी के द्वारा भागलपुर की ओर से इस बार कंटिन्यू सर्विस पर एक अंक और अर्जित करेंगे भागलपुर इस बीच 5 दिन की बढ़ोतरी पर भागलपुर भारत के हाथ में यहाँ अच्छी सर्व किया गया और उससे अच्छी पास मिली जहाँ पे सब फैन खेला बाकी का काम क्या भागलपुर के प्लेयर ने इस बार नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी मिसबिहेव के कारण सर्विस दबाए बैठेंगे यहाँ पर भागलपुर। अब यहाँ से कठोटिया सर्विस चेंज पर 8 नंबर जर्सी पर कठोटिया जी हाँ इस बार चतुराई भरी सनी के द्वारा अब यहाँ से फिर सर्विस चेंज 5 दिन की चेंज सर्विस पर हर्ष भागलपुर के लिए अच्छी सर्व करता हुआ उसने अच्छी पास और सौ फैन से दिया गया लेकिन इस बार नहीं बचा पाएंगे भागलपुर अपने सर्विस इस तरह से गवा बैठेंगे फिर से एक बार 3-5 की चेंज सर्विस पर कट गया। अब यहां से अच्छी हेड खेला यहां पर जी हां इस बार काफी जोरदार भागलपुर की ओर से इस बार फिर से एक बार सर्विस चेंज कराने में समझ हुए भागलपुर। अब यहां से 5-3 की चेंज सर्विस पर भागलपुर काफी रोचक के मुकाबला ये तीसरा सेट का मुकाबला चल रहा है इस बीच एक और अंक में बढ़ोतरी करता हूँ भागलपुर इस बीच 6-3 की कंटिन्यू सर्विस पर भागलपुर अच्छी खेल अब तक देखा गया है अभी 3 का डिफरेंस इस खेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं कही सकती है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस बार जी हाँ कुछ चालाक नहीं थी अंपायर का कुछ इशारा था लेकिन बिल्कुल राइट इशारा इस बीच फिर से चेंज सर्विस होता हुआ 3-6 की चेंज सर्विस पर कठोटिया। अब यहाँ से खेल प्रारंभ बहुत जोर का हिट भागलपुर की ओर से सफल होंगे यहाँ पर भागलपुर इस बीच एक और चेंज सर्विस पर भागलपुर हर्ष के हाथों थमाया सर्व के लिए यहाँ सोप सर्व और नहीं बचा पाएंगे यहाँ पर इस सोप सर्व को कठोटिया ने और एक अंक फ्री में दे बैठेंगे मुख्यालय में है भागलपुर। अब देखना होगा क्या कहीं ऑप्शी कर पा रहे हैं क्या कठोटिया जी हाँ इस बीच चलाकी से खेलना चाहते थे लेकिन उससे कहीं चालाक भागलपुर जी हाँ इस बार थोड़ी सी हार्ट अटैक बट इस बार इसमें छोटी हाथ से कठोटिया के लिए इस बार फिर से सेट किया गया जी हाँ इस बार काफी जोरदार लेकिन फील्डर की बचाने के चक्कर में नहीं बचा पाए बॉल को और एक और अंक ले जाएंगे भागलपुर। इस प्रकार से 8 दिन की कंटिन्यू सर्विस पर जीतना अनिवार्य है 2 और 2 का मुकाबला। अब यहां से सर्व के लिए गए हैं भागलपुर अच्छी हैंड से खेला यहां पर भागलपुर जी हां। अब यहां से अच्छी खेल यहां से अब तक बची हुई थी खेल के नजर है जी हां इस बार अटैक तो की बट उस तरीके की अच्छी ब्लॉक भागलपुर द्वारा दिखाई गया है इस प्रकार 9-2 का इजाफा होता है भागलपुर को।
अब यहाँ से कंटिन्यू सर्विस पर हर्ष, अच्छी सर्व, उससे अच्छी पास किया गया, सेट बनाया जोरदार, अच्छी है ब्लॉक, जिसके कारण भागलपुर को एक और अंक अर्जित करेंगे। अब यहाँ से 10-3 बहुत बड़ा डिफरेंस, अब भी कठोटिया को अगर यहाँ से जीत दर्ज करनी है तो लगातार सर्विस रखनी पड़ेगी अपनी ओर। स्पीच एक अच्छा सेट किया गया, लेकिन स्पीच गलती करेंगे यहाँ हीटर, सीधे आउट का इशारा अंपायर के द्वारा, और एक और अंक ले जाएंगे भागलपुर। अब यहाँ से 11-3 की बढ़ोतरी पर भागलपुर, अब यहाँ से काफी दूर निकल चुके कठोटिया के हाथ से। मैच अब भी ऑफर जारी है कठोटिया के लिए, अगर ये मैच कठोटिया जीतती है तो। अब यहाँ से एक और, अगर कठोटिया जीतती है एफपीएफपी देंगे आपको 1000, लेकिन स्पीच थोड़ी सी मानसिक बदलाव देखा गया, जब से कठोटिया का मैच तब से खेल में कुछ बदलाव देखी गई है, उसके बाद भागलपुर उसका फायदा उठाता हुआ। अब 12 दिन की कंटिन्यू सर्विस पर भागलपुर, अब यहाँ अच्छी अटैक करना चाहते थे लेकिन असफल हो गए भागलपुर के लिए। जी हाँ, एक और अच्छी सॉफ्ट हैंड सेट, लेकिन इस बार चतुराई भरी कठोटिया के लिए, सर्विस चेंज करने में समक्ष होंगे। बस 3-12 की चेंज सर्विस पर कठोटिया, जी हाँ, एक अच्छी सेट बनाने के प्रयास, लेकिन यहाँ पर बचाओ ज्यादा अच्छी लगी भागलपुर को। इस बीच एक और बचाओ का प्रयास, लेकिन यहाँ, जी हाँ, अब यहाँ से अंपायर का इशारा आउट। इस प्रकार एक और अंक अर्जित करेगा भागलपुर, अब 12 दिन की बढ़ोतरी पर भागलपुर। इस बीच अच्छा खेल का मुजारा, लेकिन थोड़ा सा सुध लिखे इस बीच कठोटिया, यहाँ एक और अंक लुटाने के प्रयास में, लेकिन सर्विस चेंज कराने में समक्ष हुए यहाँ पर कठोटिया। जी हाँ, अच्छी सेट बनाने के प्रयास, लेकिन गेंद को बचने दिया अपनी टीम की ओर से। यहाँ एक और कठोटिया के लिए ऑफर, अगर इस मैच को जीतती है तो एफपीएम और गोल भट्टे की ओर से 1000 रुपए की इनामी राशि रखी गई है। यहाँ से अच्छी खेल देखने को मिला, अंपायर अशोक रमान द्वारा। अब यहाँ से भागलपुर एक और बार चेंज सर्विस पर 12-4 की बढ़ोतरी में, सर चली गई। जी हाँ, अच्छी सर्व, उस पर कहीं अच्छी पास सेट किया गया, तो जोरदार प्रहार भी किया, लेकिन अच्छी बचाव भागलपुर की ओर से। एक और बार सेट किया, लेकिन इस बार, जी हाँ, अंपायर का इशारा देखने का चाहूंगा मैं यहाँ पर। जी हाँ, भागलपुर की पक्ष में गए अंपायर। इस बीच एक और यहाँ से एक बार फिर कठोटिया जोरदार प्रहार, लेकिन उससे अच्छे ब्लॉक भागलपुर को देखा गया। इस बार छोटी सी चतुराई भरी कठोटिया के लिए, अब 4-13 पर चेंज सर्विस में कठोटिया। चेंज सर्विस के लिए जाएंगे कठोटिया के जर्सी नंबर 8, लेकिन पास नहीं कर पाए यहाँ पर डिफेंडर। इस बीच एक अंक का इजाफा करता हुआ कठोटिया, अब रोचक हो सकती है गेम में, अब भी मैच काफी दूर है, कठोटिया आप भी जीत सकते हैं। जी नहीं, इस बीच फिर एक अच्छी सोच जर्सी नंबर 3 भागलपुर की ओर से सर्विस चेंज कराने में सफलता दिलाई। अब यहां से 13-3 पर चेंज सर्विस के लिए हर्ष, अच्छी सर्व, स्लो हैंड सर्व, पास भी अच्छी, जोरदार प्रहार की कोशिश, लेकिन ब्लॉक वहां पर उतनी अच्छी। अब यहां से स्मैश काफी तगड़ा लगाया भागलपुर, बच बचाव काफी बढ़िया रहा कठोटिया के लिए। अब यहां से जोरदार जर्सी नंबर 10 भागलपुर के लिए, जिस बीच कंटिन्यू सर्विस पर एक और अंक अर्जित करेंगे। 14-5 की कंटिन्यू सर्विस पर बढ़ोतरी में है भागलपुर। अब यहां से मैच पॉइंट भागलपुर के लिए, यहां से बचानी होगी कठोटिया को। जी नहीं, सेमीफाइनल में प्रवेश करता हुआ, अब इसके बाद